तालियां मजबूत होनी चाहिए। साफ के मतलब के कवि हैं। समस्त ब्रह्मांड को प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ आए हुए हमारे सभी श्रोतागणों के चरण कमलों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मीडिया कर्मियों का भी स्वागत करता हूँ। एक अभिनंदन हमारे आगे है और एक अभिनंदन हमारे पीछे है, मुझों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा मैं सुनता हूँ कि हाँ, नारी जागृति संस्थान के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो नारी संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति है और बाबा तुलसी ने जब अपनी रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया तो माँ के लिए उन्होंने पहली पंक्ति पहली चौपाई लिखी थी और मुझे आश्चर्य होता है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि उसी चौपाई की वजह से जिसको माँ का आशीर्वाद मिल जाए संसार में उसे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है। वो चार चौपाइयां थी, वो एक चौपाई थी आपके लिए समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी। तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी था कि शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। मैं अपनी माँ के लिए, आपकी माँ के लिए और यहाँ पीछे बैठे हुए अपने वरिष्ठ कवियों की माँ के लिए चार पंक्तियां स्वागत है भैया प्रेषित करता हूँ और आप सुनिए। माँ के पावन चरणों में सब तीर्थ धाम मिलेंगे और जो छू पाई ना दुनिया सारे आयाम मिलेंगे। और क्यों भटक रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर, क्यों भटक रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर, कृष्णा की भगवद गीता मानस श्री राम मिलेंगे। कृष्णा की भगवद गीता मानस श्री राम मिलेंगे। और मैं इस गांव के विषय में जानता हूं कि यहां बहुत सारे टीचर्स हुए, माँ सरस्वती की प्रत्यक्ष रूप से यहां कृपा रही, लेकिन मैं समझता हूँ आप ताली बीच में बजाते रहिए, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी आप मेरी कविताओं को समझ रहे हैं। मैं चार पंक्तियां आपके लिए और देता हूँ। बाबू जीवन के ने नौने पाले हुए, बाबू जीवन के ने नौने पाले हुए, दिल में यादें हजारों संभाले हुए, और दिल में यादें हजारों संभाले हुए, और वक्त का भी तकाजा समझ ना सके हम चले आए थे रे हवाले हुए, हम चले आए थे रे हवाले हुए। और चार पंक्तियां आप सुनिएगा कि दर्द गम कायमो संबदल जाएगा। वक्त कितनी तीव्र गति से चलता है, आदमी शाम को सोता है, सुबह शाम भर रात भर एक सोने की लंका बनाता है, सुबह बिगाड़ देता है। तो ख्वाब मैं ये पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, दर्द गम कायमो संबदल जाएगा, कोई गिरता हुआ भी संभल जाएगा, कोई गिरता हुआ भी संभल जाएगा। और पंक्ति देखिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा मंच का भी कि मैंने खुद को जलाकर उजाला किया, मैंने खुद को जलाकर उजाला किया, कल तू भी मोम बन कर पिघल जाएगा, जाएगा कल तू भी नाम बन कर पिघल जाएगा। बहुत बहुत आभार, अभी तक मेरे माला आपने डाल दिया लेकिन मैं उसको जयमाला नहीं समझ रहा हूँ। बेटा समझिए, अभी मैं बहुत बुरी चीज है। आज समय नारी सशक्तिकरण, मैं समझता हूँ नारी सांस्कारिक होनी चाहिए। नारी सशक्तिकरण का अर्थ ही तब है जब नारी सांस्कारिक होगी तो उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो मानसूया बन के
तीनों देवताओं को पलने में जगा सकती है, माँ दुर्गा उनके रक्तवीर का संहार कर सकती है। और जिंदगी को चार लाइन और देता हूँ, ये जिंदगी क्या? मीरा ने जिंदगी को कैसे जिया, सूरदास ने जिंदगी को कैसे जिया, पहली लाइन मीरा जी के लिए, दूसरी सूरदास। विश्व के प्यालों को पीने लगी जिंदगी, मीरा ने कृष्ण जी को विष का प्याला पीने के बाद अपना बनाया। विश्व के प्यालों को पीने लगी जिंदगी, और गम की चादर को सीने लगी जिंदगी, गम की चादर को सीने लगी जिंदगी, और क्या पता था कि हम यूं चले जाएंगे, रोज मर मर के जी ने लगी, मर के जी ने लगी जिंदगी, रोज मर मर के जी ने लगी जिंदगी। मुझे लगा हम कवियों का भरोसा नहीं करना चाहिए। चार कवि एक होटल में गए और होटल में खाना खाने के बाद बोले, मैनेजर के पास पहुंचे बिल पे करने के लिए, कि पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा। आदमी था देखे, नहीं दादा पैसे मैं ही दूंगा, तुम नहीं दोगे। मैनेजर बोला, भाई बड़े अच्छे आदमी है। मैनेजर ने कहा कि एक चक्कर होटल का लगा के आओ, और जो सबसे पहले आ जाएगा वो पैसे देगा। और आज तक साथ कोई वापस लौटा ही नहीं। मैं प्रेम की परिभाषा बहुत बदल गई है। श्रृंगार में मैं पढ़ रहा हूं इस समय, प्रेम की परिभाषा क्या है। मीरा ने प्रेम किया विष पीने के बाद। राधा का भी प्रेम देखिए कितना विचरण हुआ, कि कृष्ण भगवान जिंदगी और पलायन ही करते हो, वो एक जगह रुके नहीं। नारद जी के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा पलायन किया। और प्रेम की परिभाषा आप कैसे हो गई, कि आजकल के लोग विष पीने की जगह पर कहते हैं कि तेरी याद भुलाई जाती ना दो पेट पड़े से पीले। प्रेम की परिभाषा पर बांध बांधने के बाद सीता जी को प्राप्त किया था, वो सच्चा प्रेम था। तो उसमें मैं चार पंक्ति और देता हूं। एक आधी अधूरी कहानी हो तुम, मेरी आंखों से झल का वो पानी हो तुम। और हनुमान जी ने स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण की मुद्रा ग्राही थी कि, और सीता जी ने उसे देखा, तब देखी मुद्रा मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। एक आधी अधूरी कहानी हो तुम, मेरी आंखों से झल का वो पानी हो तुम, मेरी आंखों से झल का वो पानी हो तुम। दूर हो पर तुम्हें हम बुला ना सके, लंका में थी लेकिन राम जी ने भुलाया नहीं है, प्रेम की परिभाषा है कि दूर हो पर तुम्हें हम बुला ना सके, प्रेम की ऐसी स्वर निशानी हो तुम, प्रेम की ऐसी स्वर निशानी हो तुम। और मैं अब इस मुद्रक पर अपनी औकात पे आता हूँ सा जी, जो श्रृंगार को मैंने लिख ही दिया तो आप उसको थोड़ा सा जी भी दीजिए, और उसके बाद एक गीत, और फिर उसके बाद मैं विराम लूंगा। अपने दिल के दरवाजे तुम खोल नहीं पाओगी, दरवेगम के सागर में रस घोल नहीं पाओगी, दरवेगम के सागर में रस घोल नहीं पाओगी। और अब आपकी तालियां चाहिए साहब। माँ अरे भैया टाइम देखिए, माना सब कुछ सहलोगी शीतल चंदन की भांति, और दिल की धड़कन से लग लो तुम बोलो, दिल की धड़कन से लग लो तुम बोल नहीं पाओगी। अभी हमारे मंच संचालक कह रहे थे कि दोनों तरफ से आ गया, एक राजघाट से भी है, एक नरोरा से भी है। तो मैं समझता हूं कि माँ गंगा ऐसी परमार्थी देवी है कि गंगा ही जल को अर्घ्य सब, गंगा ही जल सो दी, वो किसी से लेती नहीं है उसको अर्घ्य, आप उसी के जल का देते हो।
तो मैं माँ गंगा के लिए चार पंक्तियां स्वागत, छोटा सा गीतांश है स्वागत। खुली हुई आंखों से मैंने, खुली हुई आंखों से मैंने देखा है एक पावन सपना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। मुझे लगता है कि अगर समझ में नहीं आए, एक गंगा मैया है और दूसरे पर यमुना जी है, इतना प्यार हम अपनी माँ गंगा को करते हैं कि एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। अब सुनिएगा कि कहाँ कहाँ किसका मूल्य कैसा है। कहीं मूल्य राधा का कुछ है, कहीं मूल्य मीरा का कुछ है, और कहीं मूल्य मीरा का कुछ है, कहीं मूल्य राधा का कुछ है, और कहीं पूज्य मिट्टी की मूरत। सुनिए, राधा जी ने कृष्ण से प्रेम किया लेकिन अपना नहीं बना सका, शादी नहीं हो सकी था, और मीरा जी ने विष पीने के बाद कृष्ण से प्रेम किया और उसी की मूर्ति में बनी हो गई। तो कहीं पूज्य मिट्टी की मूरत, कहीं मूल्य हीरा का कुछ है। महादेव जी के सामने हीरा का मूल्य फीका है, आप जाते हैं आज भी चावड़ पर गए होंगे, मस्तक नवाया होगा, खाया होगा शीश। कहीं पूज्य मिट्टी की मूरत, कहीं मूल्य हीरा का कुछ है, और धन से रिश्तों को मत तोलो, धन से रिश्तों को मत तोलो, भाई बिन सुनी है बहना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। और कहीं मर्म हर गुजरे पल का, कहीं मर्म नैनों के जल का। अगर अभिमन्यु उस पल सोया नहीं होता जिस समय अर्जुन उसको चक्रव्यूह तोड़ने की विधा बता रहा था गर्भ में जी, तो साय चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद वो वापस निकल आता। सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुन लेते अगर पार्वती ही सो नहीं जाती। हमारी कहीं मर्म हर गुजरे पल का, कहीं मर्म नैनों के जल का, कहीं मर्म नैनों के जल का, और कहीं शीश पर चरण खड़ा हूं। भरत जी ने राम के चरण खड़ाऊ को सिर पर ले लिया। कहीं शीश पर चरण खड़ा हूं, कहीं मर्म सबरी के पल का, कहीं शीश पर चरण खड़ा हूं, कहीं मर्म सबरी के फल का। और ईश्वर प्रेम विभल देखे जब, ईश्वर प्रेम विभल देखे जब, अनसुईया के झूले पलना, एक अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना। बहुत सुंदर। अधर पर गंगा माँ है और अधर दूजे पर यमुना।